Hello guys, welcome to our channel. This is our fifth video on set theory. पिछले videos में हमने union और intersection दो operations के बारे में बात किया था, तो आज हम और दो operations के बारे में बात करेंगे, जो है difference between sets and complement of sets. तो पहला आता है difference of two sets. Difference of two sets मतलब दोनों सेटों का अंतर हम निकालेंगे आज. जब भी हमें डिफरेंस वर्ड सुनते हैं ना, तब हमारे ख्याल में सिर्फ एक ही सिंबल आता है, वो है सब्स्ट्रैक्शन का सिंबल. और वही सब्स्ट्रैक्शन का सिंबल ही आज हम यहाँ पर यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे? एग्जांपल के लिए हम दो सेट ले लेते हैं, ए एंड बी. दो सेट है हमारे पास, ए एंड बी. अब इन दोनों में हम इन दोनों सेटों के डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी कर. कहा था ना, जब भी डिफरेंस वर्ड हमारे कानों में आता है तो एक ही सिंबल हमारे ख्यालों में भी आता है, वो है सब्स्ट्रैक्शन का सिंबल. इसका एक्चुअली मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए. ए से बी का अंतर क्या है? इस ए से बी का अंतर क्या है? वही है डिफरेंस ऑफ सेट्स. अगर हम वेन डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करें तो क्या आएगा, चलो देखते हैं. वेन डायग्राम पहले ड्रॉ तो कर ले. ये टोटल है यूनिवर्सल सेट. अब एक सेट है बी और एक सॉरी एक सेट है ए बी, ए बी. ओके, अब क्या है इसका मतलब? डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए. अगर हम यहां पर देखिए 20 से 15 को माइनस कर दे तो क्या बचता है? 5, राइट? 5 आता है ना आंसर. 20 से 15 को सब्ट्रैक्ट करे तो 5 आता है आंसर. गौर कीजिए, इस 20 का मतलब है ए और बी. यहां पर यहां से 15 का मतलब, 20 का मतलब है ए एंड बी. ओके, और 15 का मतलब है ओनली बी. तो ए एंड बी दोनों से बी को सब्ट्रैक्ट करे तो क्या आता है? 5, मतलब ओनली ए आता है, मतलब इतना सा ही आएगा. एक कॉमन जो पोर्शन है ना, कॉमन एरिया, वो भी नहीं आएगा, सिर्फ ए आएगा. अब हम एक एग्जांपल के जरिए इसे हम समझते हैं, लाइव एग्जांपल के जरिए. ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, और दूसरा सेट बी है जिसका एलिमेंट है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो हम ए माइनस बी करें तो क्या आएगा? ए माइनस बी मतलब वही है ना, ए ए माइनस बी है. ओके, तो क्या आएगा? ओनली ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट नहीं आएगा और कॉमन एलिमेंट भी नहीं आएगा, सिर्फ ओनली ए का ही एलिमेंट आएगा. मतलब 1, 2, 3, 4. ओके,
फाइव तो कॉमन है ना, मतलब ये यहाँ पर फाइव है ये नहीं आएगा, और सिक्स सेवन एट नाइन टेन वो तो यहाँ पर है वो भी नहीं आएगा, तो सिर्फ वन टू थ्री फोर ही आएगा। ओके अब ये तो a माइनस बी है, हम b माइनस a करें तो मतलब हम b माइनस a करें तो क्या आएगा, b माइनस a का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ a फ्रॉम b, मतलब अब पिछले a माइनस b का मतलब a से b का सब्सट्रैक्ट करना पड़े, a से b का सब्सट्रैक्ट करना, और b माइनस a का मतलब b से a का सब्सट्रैक्शन। इसका वेन डायग्राम कैसा आएगा, a यूनिवर्सल सेट a सेट b a b, हमें निकालना है b माइनस a। ओके मतलब b से a को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो b से a को सब्सट्रैक्ट करने का मतलब सिर्फ b का एलिमेंट ही आएगा, फिर से कोई कॉमन एलिमेंट कॉमन एरिया का एलिमेंट नहीं आएगा और a का भी एलिमेंट नहीं, सिर्फ b का एलिमेंट ही आएगा। तो अब एग्जांपल के जरिए से समझाते हैं, a सेट a इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और सेट b इसका एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10। ओके तो b माइनस a क्या आएगा, ओनली b का एलिमेंट आएगा, वो भी कॉमन एलिमेंट को छोड़कर, मतलब 5 नहीं आएगा, 5 कॉमन है, 6 7 8 9 और 10। ओके अब इन दोनों का हम ऐसा पिछले वीडियो में हमने कहा था a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, और a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, इस दोनों को हमने प्रूफ करके भी दिखाया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में a माइनस b अनइक्वल्स टू b माइनस a होगा, अनइक्वल्स टू, इसका मतलब दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। हमने यहाँ पर देखा ना दोनों का रिजल्ट सेम आया है, हमने तो एक ही एग्जांपल्स लिया, एक ही एलिमेंट्स नहीं आया, फिर भी दोनों के तो सेम नहीं आया। ओके अब हम कुछ सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ओके सेट बिल्डर फॉर्म किसका, a माइनस b का सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा, a माइनस b का सेट बिल्डर फॉर्म होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ओके मतलब ओनली x जब किसी सेट का एलिमेंट होगा, सिर्फ a का ही एलिमेंट आएगा, b का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और b माइनस a का सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। ओके मतलब x किसी सेट का एलिमेंट होगा जो b में आएगा बट a में नहीं आएगा,
ये कंपलसरी है. ओके अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? ओके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए, यू. इसका मतलब यूनिवर्सल सेट है. ओके इसका मतलब यूनिवर्सल सेट, और हमें और एक सेट चाहिए, सॉरी हमें और एक सेट चाहिए. ए को चुन लेते हैं और एक सेट के लिए. अब हमें एक मिनट, वेट प्लीज, पेज बहुत उड़ रहा है, हवा दे रहा है ना, फैन चल रहा है तो पेज बहुत उड़ रहा है. तो हम कॉम्प्लीमेंट को लिखते कैसे हैं? हम जब कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, ए हैश और ए के पावर सी और ए के ऊपर बार खींचकर. ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट को, इन तीनों तरीकों से हम कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करते हैं. मैक्सिमम ए हैश और ए सी का यूज करते हैं हम. ओके और किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट है, सपोज एक सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? एक सच दैट x belongs to universal set and x not belongs to a. इसका वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो समझ में आ जाएगा. सपोज ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है ना, और उसके अंदर एक सेट है, सेट का नाम ए है. ओके सॉरी यहां पर लिख देते हैं, सेट का नाम ए है. तो सेट बिल्डर फॉर्म की कंडीशन के वाइज एक्स एक एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट को एग्जिस्ट करता है, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर वो होगा. तो हम मार्क कर देते हैं पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को. मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा पर ए के अंदर नहीं होगा. तो ए को हमने मार्क नहीं किया ना, क्योंकि ए के अंदर नहीं है. यूनिवर्सल सेट तो पूरा ही है पर ए के अंदर वो नहीं है. ओके तो एक लाइव एग्जांपल के साथ हम समझ जाएंगे शायद. हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं जिसके एलिमेंट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. ओके और सेट ए को हम ले लेते हैं जिसका एलिमेंट होगा 1, 2, 3, 4, 5. तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा सेट ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी होगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट में आएगा. मतलब 6, 7, 8, 9, 10 हो गया. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे तो हम अब क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट.
ओके प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. पहला कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कॉम्प्लीमेंट का, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या आएगा, ए आएगा. ओके दूसरा, हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ड्रॉ करके पता चलेगा, वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. इसके अंदर एक सेट ए है, ओके ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक सेट ए है. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक सेट ए के बाहर जितना भी एरिया है वो है ए कॉम्प्लीमेंट, ओके. और उसके साथ सेट ए को यूनियन करेंगे, मतलब सेट ए यूनियन का मतलब दोनों सेटों में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आ जाएगा, मतलब सेट ए और बाहर जितने भी एलिमेंट है सब आज सबको मार्च कर देंगे. मार्च कर क्या निकलेगा, यूनिवर्सल सेट ही तो निकलता है ना दोनों को मार्च करे तो ये इसका आंसर है यूनिवर्सल सेट. तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ओके. ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर जितना भी एरिया है वो, और ए का मतलब ए इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन एरिया. इन दोनों में क्या कॉमन कुछ है, ये बाहर का एरिया है और ये अंदर का, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी होगा ना. एम्प्टी सेट का मतलब है फाइव. फोर प्रॉपर्टीज, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन एम्प्टी सेट. यूनियन के समय यूनियन के प्रॉपर्टीज के बारे में जब बताया था तब मैंने बताया था कि किसी भी सेट के साथ एम्प्टी सेट का यूनियन होगा तो वही सेट आता है. फिफ्थ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट. और इंटरसेक्शन के बारे में भी हम इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज जब पढ़ाए थे तब भी हमने बोला था कि किसी भी सेट के साथ एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन होगा तो एम्प्टी सेट ही आएगा. सिक्स्थ, अगर हम यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या आएगा, कुछ भी रहेगा क्या इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो. यूनियन इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पूरे एरिया को हम कवर करते थे तो कुछ भी रहता है क्या, एम्प्टी हो जाता है ना वहां पर, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट है फाइव. और सेवेंथ, फाइव का इंटरसेक्शन करे तो मतलब एम्प्टी सेट का मतलब इसका मतलब है एक एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, इसके एलिमेंट आएंगे मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा पूरा, ओके. तो हमारे ऑपरेशन ऑन सेट में चार ऑपरेशन थे. पहला था यूनियन, सेकेंड था इंटरसेक्शन, थर्ड था डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स एंड फोर्थ था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. चारों ऑपरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया. अब आता है डी मॉर्गन्स लॉ. क्या आता है, डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स का नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये लॉ बनाया. इस लॉ का यहाँ पर दो लॉ है एक्चुअली, एक नहीं, क्या क्या लॉ है, एक ए यूनियन बी
इन दोनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन। और दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल टू द पावर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके गाइस, ये जो दो रूल, ये जो लॉ के दो रूल है ना, ये दो रूल हमेशा प्रूफ एग्जाम में प्रूफ करने को देते हैं। समझ लो सेट थ्योरी के अंदर से ये दो लॉ प्रूफ करने के लिए हर साल आते हैं।